जी तो आपको बताते चले कि आपने जैसे आज हमारी वीडियो देखी, यार ये आइसक्रीम वाला कहाँ से आ गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपका भाई फिर हाजिर है एक अच्छा सस्ता और टिकाऊ देसी टोटका लेकर, जो कि सदियों से जो है ना बड़े बुजुर्ग जो है ना इस तरह के काम करते आ रहे थे कि अगर दाने हो जाएँ या मच्छर आ जाए या फिर जुएँ वगैरह जो बर्ड्स वगैरह के लिए होते हैं, तो उसमें उस्ताद अभी तक यही काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को मशवरा देते हैं कि विरकॉन एस वगैरह या दूसरे बड़े महंगे महंगे जो हैं वो आप स्प्रे करें, तो उससे जो होता है वायरल जो इन्फेक्शन होता है उससे निजात मिल जाती है। नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो है सस्ता और आसान। न्यू फैंसियर क्या करें, न्यू फैंसियर इतना महंगा नहीं ले सकता, तो उसके लिए जो सालों से उस्ताद लोग जो है वो नुस्खा इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप और पीछे जाएं तो पानी के टैंकों में, वाटर टैंक के अंदर जो है वो टिंकी डाली जाती थी, पोटेशियम पर मैग्नेट आपका भाई लेकर आया है, वो भी आपको दिखाता है कि ये देखें ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, छोटे छोटे से दाने होते हैं ये, और ये जो केमिकल है ये पानी के टैंकों में भी डाला जाता था। तो इससे हम अपने परिंदों को जो है वो वॉश करेंगे, इनको बाथ देंगे, और जो जैसे लवबर्ड वगैरह है तो उनको हम डायरेक्ट स्प्रे भी कर देंगे। दाने पे भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है, पानी पी भी लें तो कोई इशू नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो बाकी जो अगर आप देखें पोल्ट्री वाले जो हैं तो वो इसको जो है एक लीटर पानी के अंदर एक चमचा डालते हैं, फिर वो उसको हिलाते हैं, तो उसमें से जो है ना एक चमचा लेके एक लीटर पानी के अंदर मिला के पिलाते हैं, ताकि मोशन वगैरह जो होगी होते हैं उसके लिए फर्क है। लेकिन हम यहाँ पर जो भी हैं अपने जो कीड़े वगैरह हैं, जुएँ वगैरह हो जाती हैं या फिर क्या नाम है पॉक्स वगैरह होती है, तो उसके ऊपर लगाने के लिए और उनके ऊपर करने के लिए अगर हम पहले से एहतियात करें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई आपके ऊपर जो है ना मच्छर वायरस और किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा, और क्या नाम है आपके परिंदे महफूज रहेंगे। तो आइए आपको फिर करके दिखाते हैं। और नाज़रीन हमने आपको बताएं कि हमने जो है एक क्रेट ले ली है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, और हम अपनी जावा को आपको चेक कराएंगे कि जावा कैसे नहाती है, बड़े मज़े से नहाती है। ये हमने लिया पानी थोड़ा सा, और इसमें मिकदार कितनी डालनी है ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो है ना 2 से 3 कतरे, ये देखें ये बहुत है इतना, ये देखें ये अब ये खुद ब खुद अपना कलर चेंज करेगा। अब हम इसको उंगली की मदद से आहिस्ता 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 हिलाएंगे, और ये आहिस्ता 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 ये देखें कलर, ज़्यादा नहीं डालना है ये, ज़्यादा जो है फिर जो चीज़ भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए फिर वो नुकसानदेह होती है। तो हमने बिल्कुल ये इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम अपनी जावा को देते हैं और जावा फिर इंजॉय करेगी। ये देखें गर्मी के मौसम में जावा अपने बात लेने के लिए तैयार है, ये हमने रख दिया है। अब जावा जो है इसकी तरफ आएगी आहिस्ता से, और फिर हम देखते हैं कि जावा बात कैसे लेती है। तो अब हमने जो है दूसरे में भी बना लिया है, हमारे पास जो छोटी कॉलोनियाँ हैं 5-5 पेयर की, तो अब हम इसमें रखते हैं कि ये जावा और इसके बच्चे भी निकले हुए हैं, और ये जस्ट सेल्फ हो रहे हैं बच्चे, 3-3 महीने के बच्चे हैं ये, और ये भी इंजॉय करेंगे। हमने इनको भी पानी दे दिया, तो अब हम देते हैं फिंच को, हमारे पास कुछ फिंच भी बाकी है तो हम इसको देते हैं फिंच को, और फिर देखें आप ये कैसे मज़े से नहाएगी। और ये भी सुबह सुबह का टाइम है और एक फिंच बाहर भी निकल गई, ये Thank you.
तो नाज़रीन आपने देखा कि इस पानी का कलर जो पिंक कलर का था वो चेंज हो गया। तो इन्होंने नहा वहा लिया, मट्टी छट्टी जितनी भी सब लगी हुई थी अच्छी तरीके से नहा लिया। अब ये पानी को निकाल के हम फेंक देंगे और जो बाकी हमारे बर्ड्स हैं जैसे लवबर्ड वगैरह हैं तो उनके ऊपर हम शॉपिंग करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये जो होंगे तकरीबन आप करेंगे क्योंकि गर्मियों के दिन है, सब गर्मी के अंदर सब धूप के अंदर नहीं करना है आपको, 10 से 11 बजे ये स्प्रे करना है। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको जो है वो बर्ड जो है वो जो अगर गर्मी है तो वो दोपहर तक जो है वो ये सर्वाइव करेगा कि ईजीली उसको गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरा ये होगा कि इससे जो जितने भी जो कीड़े और जुएँ वगैरह और पॉक्स वगैरह का कोई इशू आए बैक्टीरिया तो उससे भी जो है ना आपको निजात मिलेगी। हर किस्म के इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन से भी आपको निजात मिल जाएगी। तो इससे दो फायदे होंगे, या तो आप करें इसको सुबह के टाइम पे तकरीबन 10 से 11 बजे, या फिर आप इसको करें कि 4 बजे के बाद से आप इसको करें 4-5 बजे तक भी स्प्रे कर सकते हैं। पिंचेस हो गई, जावा हो गई, ये तो खुद ही नहा लेती हैं, लेकिन जो है लवबर्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहाता है। जब उसको गर्मी लगती है जब वो आएगा तो आप उसको नहाते हैं। लेकिन अगर आपको खुद स्प्रे करना चाहें कि जैसे आपकी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो आप उसको सुबह के टाइम करें। तो आइए आपको दिखाते हैं फिर लवबर्ड स्प्रे करते हैं। तो हमने ये जो है इसमें बना लिया, जो बानी बचा था उसमें थोड़ा सा डाल के अच्छी तरीके से हिला लिया। तो अब ये जो है पोटेशियम पर मैगनेट का जो पानी है यानी कि पिंकी का पानी जो कि ईजीली आपको, अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, जो है ना मेडिकल स्टोर पे पहले मिलती थी तो, लेकिन अब मेडिकल स्टोर पे ये नहीं मिलती है। तो ईज़िली आपको मिलेगी पंसार की दुकान पे, किसी भी पंसार की दुकान पे किसी भी एरिया में जाएँ तो ईज़िली आपको मिल जाएगी वो। आप उसको बोलें पिंकी दे दो तो वो आपको ईज़िली दे देगा। तो आइए हम अपने लवबर्ड के ऊपर जो है वो स्प्रे करते हैं। अच्छा इसमें जो है ना दाना था, दाने की वजह से मैंने इसको हटा दिया और उसके बाद फिर स्प्रे कर रहा है क्योंकि दाना पे वो जो दाने के ऊपर पानी आएगा तो इस वजह से मैंने हटा दिया। वैसे अगर चला जाए तो कोई इशू नहीं है। ये देखो इसके अलावा आप आने नीचे आ जाते हैं तो बन गया। ये देखो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है नाज़रीन हम सब पे स्प्रे कर देंगे थोड़ा थोड़ा ताकि ये सब इंजॉय करें। आप बॉक्सेस वगैरह पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका साइडों में। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, जैसे चूटियाँ वगैरह आती हैं ना आपने साइडों पे भी कर देना, फर्श को भी गीला कर दें कोई इशू नहीं है सारा आप। तो जी नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और इसका आप एक दिन छोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको शॉपिंग दें, साइडों में, शेड में, हर तरफ केजेस में करें, आप इसके चारों तरफ करें कोई इशू नहीं है इसको आप। ये एक बड़ा अच्छा देसी और सस्ता तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।